कैसी चल रही है भाई तैयारी? कहाँ की तैयारी भाई, फॉर्मल फॉर्मल पहन के जा रहे हो तुम? मीटिंग मीटिंग है क्या तुम्हारी केदारनाथ में? भोले बाबा से है भाई, मीटिंग कराने जा रहा हूँ मैं। अच्छा, इतना सारा प्लान सफल के बंदियों में आ गया, देख ले तो आज से बोले था मीटिंग ओवर डिवेट कर गया। कोई दिक्कत नहीं, जाओ जाओ, बाकी मीट तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी थाम पा दूंगी बाद में भाई, थाम नहीं बोलते जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। वो सेट सेट हो रखा था भाई, वो ये वीडियो वो भी देखेगा, देखिए दोबारा निकलेगा भाई। मैं क्या कुछ हौसला सा होगा, पूछ लेता हूँ होटल कहाँ लिया था, क्या किया था उसने भाई ने, हौसला क्या दिया था बाकी दो कैंडिडेट रह गए, बस उन्हीं की वेट कर रहे हैं, आए तो अपना निकले। टाइम हो गया भाई 11:30 और मैच हार गई RCB। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सो फाइनली यात्रा शुरू होने वाली है केदारनाथ जी की, तो मेरे साथ हैं सचिन भाई, अनुराग भाई, तरुण जी एंड रोहित से। हाय, जोश कैसा है गाइस? वेरी हाई, ठंडे से पड़े तो सारे रात के बज रहे हैं 12 और हम निकलने वाले हैं अभी घर से, नोएडा से, और 12 घंटे लगेंगे ऑलमोस्ट, उठते रखाते पहुँचेंगे, 12 घंटे ऑलमोस्ट लगेंगे। तो अभी भाई सारे काम करने हैं, बिचार डलवाना, पेट्रोल भी डलवाना, CNG भी डलवानी है, तो तीनों काम, तीनों काम भाई। हाँ चलेंगे, तो वो पे मामा यादव। चलो भाई सो मिलते हैं गाड़ी में, गाड़ी का भी अभी डाउट है कौन सी गाड़ी लेकर जाएंगे। हाँ तो ये हालत है बैग्स की, नेक्सन में कितना स्पेस है आप सबको पता ही है, और बैग देख लो कितने हैं, किसी को ये नहीं पता ना इसमें CNG है। ठीक है, तो बैग सारे फुल पैक हो गए हैं और बैग बंद, डिग्गी बंद नहीं हो रही भाई, करियो जोर लगा के ऊपर से। हाँ, और ये चैनल का नाम है, जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो तोड़ दो इसको, शीशे को नहीं चैनल के सब्सक्राइब बटन को। तो चले भैया, अब तो पता लग गया कौन सा चैनल है, आप सब्सक्राइब करना भाई। सो फाइनली ऋषिकेश पहुंच गए हैं और ऋषिकेश से आगे की यात्रा शुरू कर, ऋषिकेश कहाँ पहुंचे भाई अभी तो नहीं पहुंचे, हरिद्वार, हरिद्वार पार किया है अंकल जो होता था पहले रहते और ये डमरू वाले बाबा दिखने रहे हैं, शक्ल भी दिख रही है इनकी। ऋषिकेश केदारनाथ 253 कितना रह गया, 253 53 जिन लोगों को इंग्लिश हिंदी नहीं आती है उनके लिए 253 जिनको 53 समझने में थोड़ी दिक्कत है, 253 होगा मंदिर नहीं एग्जैक्टली या सोनप्रयाग मे बी केदारनाथ गाँव, सोनप्रयाग के लिए तो अलग से हाईलाइट होना चाहिए। बद्रीनाथ 304 जो बद्रीनाथ केदारनाथ से लंबा है, पर बद्रीनाथ में फायदा है कि गाड़ी आगे तक चली जाती है, केदारनाथ में नहीं जाती, आधा किलोमीटर पैदल चलना है केदार बद्रीनाथ में, गाड़ी में वो लॉक करते हैं गेट सारे। टाइम हो गया सुबह के कितना, 5:42 हम निकले थे रात को 12:30 नोएडा से, अभी ऋषिकेश आने वाला है, ऋषिकेश पहुंचे नहीं है ढंग से तो आधे पहुंच गए, हाँ मतलब काफ़ी हद तक क्रॉस कर लिया है। तो मीनवाइल मैं आपको बता दूं कि स्टोरी क्या है केदारनाथ धाम की, जो हम जा रहे हैं डिफरेंट स्टोरीज हैं, हर कोई अलग अलग स्टोरीज बताता है, कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर बहुत पुराना है, कुछ लोग कहते हैं 1000 साल पुराना है, शंकराचार्य जी ने बनवाया था, लेकिन कुछ लोग ये भी स्टैटिक प्रमाण देते हैं कि शंकराचार्य जी से पहले भी लोग वहाँ पर दर्शन करने जाते थे, तो मंदिर काफ़ी पुराना है और मंदिर एस्टेब्लिश कैसे हुआ उसके पीछे भी काफ़ी सारी स्टोरीज हैं। तो एक स्टोरीज है पांडवों से रिलेटेड, जब पांडव अपना युद्ध जीत चुके थे कुरुक्षेत्र का, तो उनके ऊपर भ्रातृ हत्या का वो था, दोष लग गया था
ब्रात रहते हैं यानी अपने ही भाइयों की उन्होंने हत्या की थी, तो उस दोष के निवारण के लिए वो शिवजी से क्षमा मांगने जा रहे थे। तो शिवजी उनको दर्शन नहीं देना चाह रहे थे, मतलब वो उनसे नाराज़ थे। तो वो पहले काशी गए तो काशी में भी उनको नहीं मिले। देन शिवजी एक बैल का रूप धारण करके इस एरिया में केदार पंच एरिया जो है इस एरिया में वो बैल का रूप धारण करके विचरण करने लगे। तो पांडवों को देखा तो उन्होंने शक हुआ, उनको कुछ डाउट हुआ, तो भीम जी ने क्या किया, अपना रूप विशाल करके दो पहाड़ियों के ऊपर अपनी पैर फंसा लिए, पैर लगा दिए। तो जितने बैल थे वो उनके नीचे से चले गए। तो शिव जी ने कहा मैं नीचे से नहीं जाऊँगा, तो वो पीछे खड़े हो गए। तो उनको डाउट हुआ कि यही शिव जी हैं। तो जैसे ही वो उनके तरफ जाने लगे तो शिव जी धरती के अंदर खुद को समाविष्ट करने लगे। तो करते करते इतने उनका जो उदर होता है यानी जो बैल के पीछे कूब सी निकली होती है ना, तो वो कूब सी बची थी और उसी को ही भीम जी ने पकड़ लिया। तो वो तब वहाँ से फिर शिव जी प्रसन्न हुए कि तुम इतने ढीठ हो, तुम्हारी ढीठता से मैं प्रसन्न हूँ और जाओ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तो वो कूब है जो बैल की, उसी का ही केदारनाथ में एक मंदिर है, तो उसी की ही अर्चना पूजा अर्चना की जाती है कि शिव जी का स्वरूप है। तो एक तो स्टोरी ये होगी। सुन मैं नू ऐसी गारंटी मैं दे रहा हूँ आग मन दो में बात अबे आग खोली सुना सोचो चलो वही कर लेते हैं। भाई इतना डरा डरा कैसे चलाएगा रे गाड़ी, तू क्या गुंडा बनेगा रे तू, काहे डर रहा है, क्या ड्राइवर बनेगा रे, दौड़ाइए आप उत्तराखंड में चलाइए ना जारी अंकल से बाल मुंह पे आ रहे हैं सारे बेचारे। बद्रीनाथ 291 केदारनाथ 223, तो 223 में 16 कम कर लीजिए सीधे सीधे आप। कितना बजा? 13:07। तुम्हारा भी अलग ही मैच चल रहा है। अरे सात भी कैसे बचेगा, 7 और 16 23 ही होते हैं। 13 क्वेश्चन क्या था? मैं कहा कि 223 बचा केदारनाथ, 16 कम कर लो, मैं कितना बचा? तो ये भाई तेरा पहले 10 कम किया था ना, आधा आधा माइनस करता हूँ मैं टुकड़ों में टुकड़ों। हाँ दोबारा साबुन स्लो है। इन पहाड़ों पर बारिश में बड़ी दिक्कत होती होगी क्योंकि मिट्टी के चाय पीनी है, चाय चाय चाय, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। हो गए अभी जस्ट हमने संगम क्रॉस किया है देवप्रयाग, जहाँ पर मंदाकिनी और अलकनंदा और भगीरथी, ये भगीरथी थी ओके। तो ये गंगा नदी भगीरथी जो कि ग्रीन कलर में थी, मैं आपको वीडियो को शो करूँगा, और अलकनंदा है जो ब्राउन कलर में है, मड कलर में है। ये दोनों यहाँ पर संगम होता है इन दोनों का, तो इस जगह को संगम भी कहते हैं और देवप्रयाग एक जगह का नाम है, मतलब गाँव का नाम है, शहर का नाम है, छोटे कस्बे का नाम है जहाँ पर ये संगम होता है। तो वीडियो में आपको शेयर करूँगा। और ऋषिकेश से हमें यहाँ पर आने में लगा लगभग 1.5 घंटा अप्रोक्स, 7:15 के आसपास हम ऋषिकेश में थे और यहाँ पे हम 8:30 तक आसपास पहुँचे, 1 घंटा लगा यहाँ तक आने में। और रोड के अलग ही नज़ारे हैं, 2 लेन बना है और बहुत ही खूबसूरत रोड है, अभी तक कोई भी ऐसा टूटा फूटा रोड नहीं मिला है देवप्रयाग तक। आगे देखते हैं कैसा रहता है केदारनाथ तक। सो भक्तों जोश कैसा है? हाय सर ठंडे पड़े हैं सारे के सारे, सुस्ती से अब तो नींद खोल लो भैया जागो।
जय भोलेनाथ की, हम बोले जय भोलेनाथ की, हम बोले जय भोले, हम बोले जय भोले, हम बोले जय भोले, हम बोले। ये भी नींद में बोल रहे कुछ तो अभी भी। ये भाई साहब तो अभी भी नींद में घूम रहे हैं ना भाई ना, लगाओ जय कारा तुम लगाओ हम वाले। जैसा कि हमारे भैया जी, हाँ सामने आके बोलो भैया, ऐसे तीव्र रास्तों पर भी 120 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं। हाँ 120 नहीं कहना, 150 हो गया टायरों पर। हाँ जी, डेढ़ दिन बन गया मैं। ये एक सिचुएशन है जो हमें फेस करनी पड़ रही है। बार बार हर चेक पोस्ट पे कुछ कुछ किलोमीटर बाद गाड़ियां रोकी जा रही हैं ताकि वन वे ट्रैफिक रन किया जा सके। तो एक तरह से हेल्पफुल भी है, बट कहीं ना कहीं ये थोड़ा दिक्कत देने वाला है, क्योंकि लास्ट 40 किलोमीटर्स कवर करने में ही आपको मोर देन 4 आवर्स लग रहे हैं। तो अभी भी यहाँ से जो गौरीकुंड है वो अप्रोक्स 16 किलोमीटर है, तो यानी जो सोनप्रयाग है वो 10 से 11 किलोमीटर पेंडिंग है अभी भी। सो ये कंडीशन होने वाली है जगह जगह। सेकेंडली, कुछ जगह पर रोड इतना कम कंजस्टेड है कि दो बसें एक टाइम पे ट्रैवल नहीं कर सकती एक साइड में, तो वहाँ पर भी काफ़ी जाम था। वो जगह कौन सी थी यार, गुप्त काशी वो जगह थी। गुप्त काशी से कालीमठ तक भयंकर जाम था, तो वो कवर किया है। देन अभी यहाँ पर आकर फिर से जाम की सिचुएशन बनती हुई। हम ज़्यादा पीछे नहीं है, 5-7 गाड़ी पीछे अपनी गाड़ी है। एक मिनट के लिए हाथ छोड़ो, एक मिनट। हाँ, सोनप्रयाग में पार्किंग फुल थी, सो हमने गाड़ी लगा दी है सीतापुर के बाहर ही, सीतापुर की मार्केट में, क्योंकि पार्किंग सीतापुर की भी ऑलमोस्ट फुल है और सोनप्रयाग की तो है ही है। सोनप्रयाग में जो गाड़ियों को एंट्री मिल रही है वो मिल रही है कमर्शियल गाड़ियों को, और एंट्री वैसे तो पॉसिबल नहीं है इस टाइम। हमारे साथ रहोगे तो सब जगह एंट्री मिल जाएगी। तो हम गाड़ी बाहरी खड़ी करके आए हैं सीतापुर की मार्केट में, ताकि वापस जाते हुए भी हमें जाम से ना, जाम का सामना ना करना पड़े, और चुपचाप 1.5 किलोमीटर की यात्रा करते निकल जाएं। क्योंकि सीतापुर की जो पार्किंग है उसको नीचे जाना पड़ता है उसके लिए, और वहाँ से भी पैदल रास्ता अप्रोक्स 1-1.5 किलोमीटर पड़ता ही है। तो हम सीतापुर में एंट्री करने से बेटर है हम बाहर की तरफ ही पार्किंग कर दी हमने, अब पैदल यात्रा चालू है। अभी जा रहे हैं सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग में जाके पहला होटल ढूंढना ये मेन टास्क है, क्योंकि थके पड़े हैं, सबकी लगी पड़ी है 15 घंटे लगातार गाड़ी में बैठे हुए, तो पहले जाके होटल ढूंढना। देन 15 घंटे सिर्फ 15 घंटे बैठे, ज़्यादा नहीं बैठे, ज़्यादा नहीं। तो रात 12:30 चले थे ना हम रूम से। यस। अभी क्या टाइम हुआ? 7:05 तुम अलग ही टाइम बता रहे हो भाई, 5 बज गए हैं शाम के, और 4:30 से मेरे ख्याल से हम 4 बजे से तुम सीतापुर की मार्केट में बैठे, 3:30-4 बजे से जाम के अंदर लगे गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, बस मूवमेंट नहीं हो रही, तो इसलिए हमने फैसला किया कि वहाँ से निकलते हैं। तो 3:30 से 12:30 हो गए, और 3-4 बजे तक 3 घंटे एक्स्ट्रा मान लो वहाँ की मार्केट, तो 15 घंटे काफ़ी। ये मार्केट है सोनप्रयाग की, मार्केट नहीं सॉरी पार्किंग है सोनप्रयाग की, जो फाइनल है यहाँ से आगे फिर भी आपको पैदल ही जाना पड़ता है। पर यहाँ पर भी इस वक्त बहुत कम गाड़ियों की एंट्री मिल रही है, मल्टी लेवल पार्किंग है, बट यहाँ भी बहुत कम गाड़ियों की एंट्री मिल रही है। जितनी गाड़ियाँ एग्जिट हो रही हैं उतनी ही एंटर हो रही हैं। यू कैन सी यहाँ से आगे फिर भी पैदल ही जाना पड़ता, सो बेटर है कि हम बाहरी गाड़ी खड़ी करके आए हैं। ये भाई इतने मेहनती हैं, बैग देखो इनके, ईंटे भर के लाए हैं बैग में, कितने का होगा, 60-70 किलो का तो होगा, ईंटा भर के लाए हैं ये। ये इनका बैग है, ये कछुआ नुमा आकृति। ये हमारे टूरिस्ट साहब ये एयरपोर्ट से सीधा आए हैं यहाँ पे, और ये सचिन भाई सबसे पीछे चलते हुए। सॉरी I'm strong and I need to cover them. हाँ बिल्कुल, at least. So ठंडी की तरह
श्री केदारनाथ धाम में आपके आगमन पर जिला पंचायत रुद्रप्रयाग आपकी हार्दिक स्वागत करती है। हमें जाना ही नहीं है, चलो ये अभी करंट रेट्स हैं, हमें इनमें से किसी की जरूरत नहीं है, चलते रहो। तो हम तो चलेंगे अपने आप। हमें जरूरत है सिर्फ पैरों की, जिससे हमने चलना है, ना हमें कंडी की जरूरत है, ना हमें खच्चर की जरूरत है, ना हमें हेलीकॉप्टर की जरूरत है। और उस पे जो फीस लगती है वो है ऑलमोस्ट 20 रुपए की चाय। गौरीकुंड वो ऐसे ही जान उनके ब्लफ कर रहे थे। स्वाद तो देखो, ये है पार्किंग सोनप्रयाग की। आज डेट है 14 और पार्किंग बहुत है ऊपर। हाँ, पब्लिक बहुत है क्योंकि लोग सिर्फ गाड़ी से नहीं आए, बसों में भी आए हैं, और विद रजिस्ट्रेशन विदाउट रजिस्ट्रेशन हर तरीके के लोग आए हैं। विद रजिस्ट्रेशन वाले चौड़े होके जा रहे हैं आगे, और विदाउट रजिस्ट्रेशन वाले ब्लफ करके जा रहे हैं कि किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, आइटरम शटरम कुछ भी। हाँ, वो था, हम वीज़ा लेकर आए, वो तारों के नीचे से आए, तारा से आए। सो क्राउड काफ़ी है, मौसम मिनट में चेंज हो रहा है यहाँ पे, कभी बारिश अचानक से, एकदम से धूप आ जाती है, एकदम से बारिश आ जाती है, बगल में तेज बारिश हो रही है, हमारे पास कम हो रही है। सो हम लोगों भी जैसा कि हमारे एक मित्र ने कहा था, चढ़ाई खतरनाक होने वाली है, तो ये पहला स्टेप है। एलिवेशन देखो, ये पहली स्टेप है चढ़ाई का। एंड सोनप्रयाग की मार्केट, एज यू कैन सी रश कितना है। सारी कैब्स यहाँ से चालू होती हैं सुबह गौरीकुंड के लिए, और गौरीकुंड से आगे पैदल यात्रा शुरू होती है। हम फिर भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं, गौरीकुंड के लिए भी यही कैब जाती हैं सुबह? आगे आगे सर। कितने आगे यहाँ से? थोड़ा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस ब्लॉग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और नेक्स्ट ब्लॉग में हम करेंगे दर्शन केदारनाथ के, और यात्रा शुरू करेंगे अपनी सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए, जो कि होगी पैदल यात्रा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जुड़े रहिए ट्रैवलिंग क्रिएचर्स के साथ।